दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू एंड ऑरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आई लव जम्मू, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बैनर तले जम्मू को स्मार्ट बनाने की होड़ जो है वो लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। और जम्मू का पहला सेल्फी पॉइंट जहां पर काफी लोग आते थे और उसके बाद सेल्फी खिंचाते थे और कुछ यादें समेट कर अपने साथ ले जाते थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी सेल्फी पॉइंट में रविवार की बात करें, कुछ लड़के यहां पर आते हैं, कुछ युवक यहां पर आते हैं और उसके बाद ना जाने क्या दुश्मनी थी उनकी सेल्फी पॉइंट से। ठीक इसी पोजीशन पर एक व्यक्ति जो है वो इस तरह सेल्फी खिंचवा रहा होता है, उसके साथ 5 से 6 लोग और होते हैं। ज्यादा प्रेस होता है और ये टूट जाता है, ये जो हार्ट की शेप में दिल बना हुआ है। उसके बाद एक व्यक्ति जो उन 7-8 लोगों के बीच में मौजूद था वो यहां से पीछे जाता है और चेक करता है कि क्या कोई वायरिंग हिल तो नहीं गई, लाइट क्यों बंद होगी। वो विजुअल्स भी हमने आपको पहुंचाए थे जो सारे विजुअल सीसीटीवी कैमरास में कैद हुए थे। और वो सीसीटीवी कैमरा मैं आपको बता दूं, यहां से चाहूंगा कि एक बार दिखाने के लिए, यहां से कुछ दूरी पर है और इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरास जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर लगाए गए हैं। रविवार को ये जो है घटना सामने आई और पुलिस ने मुशाहदी दिखाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं आपको बता दूं पूरी डिटेल क्या है। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी, एसपी सिटी नॉर्थ मोहिता शर्मा जी, एसडीपीओ सिटी नॉर्थ डीएसपी शरद कालू जी और एसएचओ बस स्टैंड, उन सबकी देखरेख में मात्र 24 घंटों में उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का क्या हशर होता है, किस तरह भरपाई करनी पड़ती है, शायद अब उनको मालूम हुआ होगा जो उस समय यहां पर तोड़फोड़ करते नजर आए, यहां पर जोर जोर से टांगे मारते नजर आए, जो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हो गया। हालांकि प्राथमिक जो जांच शुरू हुई थी उस दौरान जो है निखिल गिल पुत्र गंगा गिल निवासी बख्शीनगर जम्मू के जम्मू की अगर बात करूं तो उसको पकड़ा गया। इसके साथ साथ कुछ और आरोपियों को जो है वो पकड़ा गया। जब एक व्यक्ति को पकड़ा, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। और मैं आपको बता दूं उन सबके नाम, गोल्डी जिसकी उम्र 23 साल है, रूपनगर में कहीं काम करता है। इसके अलावा क्रिस्टोफर सन ऑफ लेजर गिल, एज 22 साल है, बख्शीनगर का रहने वाला है। इसके साथ साथ हेवन सन ऑफ नरेश जो कि बख्शीनगर का रहने वाला है, 21 साल उम्र है, विनय रेजिडेंस ऑफ बख्शीनगर जम्मू, गैब्रियल रेजिडेंस ऑफ बख्शीनगर, शुभम रेजिडेंस ऑफ बख्शीनगर एज 25 साल, अभिषेक गिल सन ऑफ मुंतजर गिल रेजिडेंस ऑफ शहीदी चौक। पब्लिक प्रॉपर्टी को आप अगर नुकसान पहुंचाओगे तो उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी, शायद अब इन युवकों को मालूम हुआ होगा। कहीं ना कहीं अभी भी शहर में जहां पर जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में लगातार काम चल रहे हैं और ये भी जो अवनी लवासा हैं सीईओ ऑफ जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट की, उनका भी ये कहना है कि कुछ ही सालों में जो है बदला हुआ जम्मू की जो तस्वीर है, बदली हुई जम्मू की तस्वीर वो नजर आएगी। और उसी के चलते जो है यहां पर वर्टिकल गार्डन जो है उसकी भी इनॉग्रेशन की गई। हरदीप पुरी जी वो आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन की। इसके साथ साथ जम्मू का जो पहला सेल्फी पॉइंट था, सामने जेडी की बिल्डिंग है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वहां से बस स्टैंड, मैं आपको चाहूंगा दिखाने के लिए जनरल बस स्टैंड जम्मू, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है। और यहां से जो है बाहरी राज्य से बसेस आती हैं जाती हैं और टूरिस्ट खास तौर पर जो है बाहर से आता है, तो एक आकर्षण का केंद्र ये सेल्फी पॉइंट बन चुका था। शायद कुछ लोगों को रास नहीं आया लेकिन अब वो पुलिस के हिरासत में है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जो जो धाराएं उनके खिलाफ लगी हैं। लेकिन शायद अब उनको लगा होगा कि हमने उस रात को यानी रविवार देर रात को हमने
कुछ गलती की है और वो गलती बहुत बड़ी की है, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अवनी लवासा जी से और खास तौर पे एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी से कि यहाँ पर जो है जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं इंस्टॉल ज्यादा किए जाएं। हालांकि बहुत जगह लगे भी हैं और अगर यहाँ पर नहीं लगा होता तो नहीं पता चलता कि कौन यहाँ पर आए, तोड़फोड़ की और चले गए। यहाँ पर लगा है और इसके तहत बहुत सी जगहों पर अभी भी लगने बाकी हैं। वर्टिकल गार्डन में भी बहुत से लोग फाउंटेन्स की वॉशर्स तक निकाल के चले गए हैं। ब्रिज की बात करें, गुजनगर ब्रिज की बात करें या फिर विक्रम चौक की तरफ जो ब्रिज आता है, भक्ति नगर की तरफ जो ब्रिज आता है, वहां पर भी लोग जो है गमले अपने घरों पर ले जाते हैं। इसके अलावा वहां पर बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को, जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम चल रहा है, कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज अभी भी जरूरत है और लगाने की, ताकि कल को कोई शरारती तत्व ये ना कर पाए और कोई व्यक्ति पुल पर चढ़कर छलांग मारकर अपनी जान को खत्म करने का प्रयास ना कर पाए। आपको याद होगा मैं आपको लेकर गया था अखनूर ब्रिज में, यानी जिसको चिनाब ब्रिज कहा जाता है, वहां पर लंबी बाउंड्री ऊपर तक लगाई गई है कि कोई व्यक्ति इस तरह से अगर कुछ सोचे तो उसको समय रहे बचाया जा सके। इसी तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं हम यहाँ के भी आला अधिकारियों से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पर भी जो है ब्रिजेस के ऊपर बाउंड्री वॉल्स लगाई जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर इस तरह का प्रयास करे तो उसकी जान जो है कीमती बचाई जा सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना और उनके खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने मुश्तैदी से काम करते हुए दो दिन में उन सभी आरोपियों को पकड़ा है, किस तरह की कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। देखते रहिए द जेके पेजेस, निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। ओरेन की एक ही सोच है, युवाओं को सपने सच करने की हिम्मत देना और उन्हें रास्ता प्रदान करना। यदि आप भी अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस।